नमस्ते, मैं हूँ जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहनें। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। कोरोना से बदतर होते हालात के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीका लगाने की मंजूरी दे दी है। यानी 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के तीसरे फेज में वैक्सीन खुले बाजार में मुहैया करवा दी जाएगी। हालांकि ये टीका उन्हीं को मिलेगा जो इसके लिए पूरे प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और कोविड प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इसमें भी जिन लोगों को दूसरी डोज नहीं दी गई है, पहले उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकारों को भी सीधा टीका बनाने वाली कंपनियों से वैक्सीन खरीदने का अधिकार दिया गया है। यानी टीका बनाने वाली कंपनियां अपने उत्पादन का 50% हिस्सा राज्य सरकारों को बेच सकेंगी, जिसे खुले बाजार में भी पहले से तय कीमतों पर मुहैया करवाया जा सकेगा। वहीं केंद्र सरकार भी अपने हिस्से के 50% टीके राज्य सरकारों को देगी। अच्छा है और लगना चाहिए, सभी के लगना चाहिए, क्योंकि इस कोरोना की जैसी बीमारी है इससे सब बचे रहेंगे। और बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी हो, वैक्सीन तो सबके लिए ज़रूरी है, तो सभी को लगना चाहिए। युवाओं को ज़्यादा लगना चाहिए, क्योंकि इस टाइम की जो वेव है ये तो युवाओं को ज़्यादा प्रभावित कर रही है, इस वजह से बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात है भैया, सरकार अच्छे काम कर रही है, आगे भी करती रहे इसी प्रकार से, मौतों को दावत ना दे, है ना। सरकार आगे सहायता करती रहे पब्लिक की भी, हमारे आठों भाइयों के भी, इनके भी बच्चों के, सभी के टीके लगवाएं। ये तो सबके परिवार की है, सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ये काम करे, किसी परेशानी ना हो, या वो हमारे हो या किसी के भी बच्चे हो। नहीं, ये तो बढ़िया बात है सभी के लिए भैया, हमारे ऑटो वालों के लिए और सबके लिए लगे वैक्सीन, तो बढ़िया है, सबको बीमारी दूर हो भाई, हर एक कोई चाहता है क्यों, अपने बच्चों के लिए, औरों के लिए, किसी को परेशानी ना हो। दिल्ली में लॉकडाउन के ऐलान के बाद राजधानी के कई इलाकों में मौजूद शराब की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी। अगले 6 दिन घर पर वक्त गुजारने के लिए कई लोगों को शराब ही एक सहारा दिखाई दी। और यही वजह रही कि जगह जगह शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइन लग गई, जिसकी कुछ तस्वीरें खान मार्केट में भी देखने को मिली, जहां शराब खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग एक दुकान के बाहर जुट गए। शराब पीने की लत ऐसी कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का भी ध्यान नहीं रखा। लाइनें लगाकर यहाँ पर देखिए शराब खरीदने पहुँचे, जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई है। वहाँ मौजूद पुलिस वाले इस भीड़ को काबू करने की कोशिश में जुटे दिखे, लेकिन लोगों का दिमाग सिर्फ शराब खरीदने की तरफ था। इतना हाथ बढ़ाओ सारे, इतना हाथ बढ़ाओ। इलाके की एक दूसरी शराब की दुकान पर भी लॉकडाउन के ऐलान के बाद लोगों का हुजूम दिखाई दिया। ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर काफी भीड़ जो है वो लगी हुई है। कुछ इसी तरह के हालात गोल मार्केट में मौजूद शराब की एक दुकान पर भी देखे गए। वहाँ पहुँचे लोग अपनी बारी आने का बेसब्री से इंतजार करते दिखे, लेकिन इस दौरान वो एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के नियम को भूल गए। हाथों में ढेर सारी बोतलें लेकर वो अपनी मंजिल के लिए रवाना हुए। दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होगा। राजधानी की ज्यादातर शराब की दुकानों पर इसी तरह लोगों की भीड़ टूट पड़ी, क्योंकि कोरोना से हालात बिगड़ने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रात 10 बजे से लॉकडाउन लागू कर दिया, जो कि 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस बीच केवल जरूरी चीजों को दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि इन दुकानदारों को अपना ई पास बनवाना होगा। जिन लोगों के घर में शादी है उन्हें अलग से पास दिए जाएंगे। शादी में केवल 50 मेहमान ही शामिल हो पाएंगे, जबकि अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं जुट पाएंगे। मेट्रो और बसें आधी क्षमता के साथ चलती रहेंगी। केंद्र सरकार के सभी दफ्तर खुले रहेंगे, जबकि दिल्ली सरकार के दफ्तर बंद रहेंगे। रोके जाने पर कर्मचारियों को अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा। जिन छात्रों की परीक्षा है वो एडमिट कार्ड दिखाकर अपने एग्जाम सेंटर तक जा सकेंगे। लेकिन दिल्ली में लॉकडाउन लगाने के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में लोग अपने गाँव को लौटने के लिए रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर पहुंच गए। राजधानी में कोरोना से बिगड़ते हालात की वजह से केजरीवाल सरकार ने 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया, जिसका ऐलान होते ही बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ गांव लौटने के लिए बस अड्डों और रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से भी सामने आई, जिसमें लोग कतार लगाकर रेलवे स्टेशन के अंदर जाते नजर आए, जबकि बस अड्डे पर कई लोग अपने गांव जाने वाली बसों का इंतजार करते दिखे। वहां पर किसी तरह की आपाधापी ना हो, इसके लिए कुछ पुलिस वाले भी मुस्तैद नजर आए।
आनंद विहार आईएसबीटी पर हमारी मौजूदगी है। मैं यहाँ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, लोग अब यहाँ निकल रहे हैं धीरे धीरे बैग लेकर। बसों और ट्रेनों को पकड़ने के लिए पहुंचे लोगों से जब न्यूज 18 ने बात की तो उन्होंने बताया कि काम धंधा बंद होने और लॉकडाउन के ऐलान की वजह से उनके सामने गांव लौटने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। काम धंधा बंद सरकार करा देगी तो खाएंगे क्या? यहाँ स्कूल बंद हो गया, क्या करेगा? पिछली बार तरह हो जाए इसलिए जा रहे हैं भाई साहब। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर उमड़ी लोगों की इस भीड़ की वजह से दिल्ली के कुछ इलाकों में जाम भी लग गया। कोरोना से गंभीर हो रहे हालात से जंग में पीएम मोदी खुद मोर्चे पर उतर चुके हैं। पीएम मोदी ने सुबह से लेकर रात तक कल कोरोना से लड़ाई में उठाए जा रहे कदमों पर पैनी नजर रखी। सबसे पहले सुबह उन्होंने वैक्सीनेशन पर बैठक की, इसके बाद उन्होंने कई राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ मंथन किया। यही नहीं, बंगाल में चल रहे पार्टी के प्रचार के लिए भी उन्होंने पदाधिकारियों के साथ बैठक की और कई बड़े फैसले लिए, जिसमें छोटी सभाएं और कोरोना नियमों का सख्ती से पालन अहम है। दोपहर में पीएम ने देश के बड़े डॉक्टरों के साथ बैठक की और फिर शाम को दवा कंपनियों के साथ चर्चा की। इन बैठकों में पीएम मोदी ने बड़ा फैसला लेते हुए 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने का ऐलान किया। साथ ही राज्यों को सीधे कंपनियों से वैक्सीन खरीदने की छूट भी दी गई। पीएम नवरात्रों में व्रत के बाद भी लगातार कोरोना से जंग में देश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यूपी में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में भी कई जगहों से हिंसा और हंगामे की खबरें आई। बदायूं में तो दो पक्षों के बीच काफी देर तक मारपीट चलती रही, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें पोलिंग सेंटर के पास दो गुट एक दूसरे के खून के प्यासे दिखने लगे। लोगों के बीच देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गयी। दो लोगों को एक भीड़ पकड़कर पीटती हुई दिखने लगी। भीड़ में कुछ महिलाएं भी शामिल दिखी। मारपीट बढ़ती देख कुछ लोग तो दूर भाग गए, लेकिन मारपीट बंद नहीं हुई। एक आदमी को पीटते हुए लोगों ने जमीन पर गिरा दिया। उसके साथ एक बच्चा भी था जो डर के मारे दूर भाग गया। मारने वाले लात और घूसे ही नहीं, डंडे भी चलाने लगे। तभी दो और लोगों को पकड़कर भीड़ ने जमीन पर पटक दिया और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। इस बीच वीडियो में एक बच्चे की आवाज भी सुनाई देने लगी। शायद बच्चे के पिता को भीड़ बुरी तरह पीट रही थी। उसी वक्त एक शख्स जिसका काफी खून बह चुका था, वो आकर एक दीवार के पास छुप गया। अरे तुम्हारे तो बहुत खून बह रहा है। हालांकि थोड़ी देर में पुलिस ने हालात संभाल लिए, लेकिन दावा किया गया कि ये झगड़ा बूथ कैप्चरिंग की कोशिश के बाद शुरू हुआ। यहां तक कि कुछ लोग बैलेट बॉक्स को पोलिंग स्टेशन के बाहर ले आए। कुछ ऐसा ही बवाल यूपी के बागपत में भी हुआ, जहां दो गुटों के बीच मारपीट और फायरिंग की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस का पूरा अमला मौके पर पहुंच गया और आरोपियों की धरपकड़ शुरू की गई। यूपी में पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य में कोरोना के 28,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और वहां 167 लोगों की जान चली गई। अकेले राजधानी लखनऊ में कोरोना के करीब 5900 मरीज मिले हैं। इसी तरह वाराणसी में 2600 से ज्यादा और प्रयागराज में 1500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इस तरह राज्य में अब कोरोना के 2,08,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि कोरोना से अब तक करीब 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से बिगड़ते हालात पर पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की और इस जानलेवा वायरस को रोकने के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी भी ली। यूपी के कई जिलों में खेतों में खड़ी गेहूं की फसल आग की भेंट चढ़ गई। बताया गया कि बिजली की तारों से निकली चिंगारी और तेज हवाओं की वजह से ज्यादातर इलाकों में ये घटनाएं हुई, जिसकी डरा देने वाली तस्वीर प्रयागराज से सामने आई, जहां आग ने मिनटों में ही खेतों में लगी फसल को जलाकर राख कर दिया। करीब 100 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल आग में धधकती दिखाई दी, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं छा गया। इस भयंकर आग ने पल भर में ही किसानों की कई महीनों की मेहनत को जलाकर राख कर दिया। यूपी के गाजीपुर से भी ऐसी ही दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां भी सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल आग की भेंट चढ़ गई। किसानों और दमकल कर्मियों ने किसी तरह आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहे और जब तक आग बुझी तब तक काफी नुकसान हो चुका था। कुछ यही हाल मथुरा में भी दिखा। वहां भी करीब 10 बीघा में तैयार हो चुकी गेहूं की फसल आग के शोलों में सुलगती दिखाई दी। कुछ लोग हिम्मत जुटाकर इन खतरनाक लपटों को शांत करवाते दिखाई दिए, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी। ऐसे हादसों ने किसानों को बड़ी चिंता में डाल दिया है, क्योंकि इस समय देश के ज्यादातर इलाकों में गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है। मनमोहन सिंह को कोरोना हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पश्चिम बंगाल की
सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से बाकी बचे 3 चरणों के चुनाव 1 या 2 चरण में करवाने की अपील की। दिल्ली की साकेत कोर्ट के जज के वेणुगोपाल का कोरोना की वजह से निधन हो गया। चंडीगढ़ से भी कई मजदूर अपने गांव लौटने लगे हैं। उन्हें लॉकडाउन का डर है, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ रही है। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट को कोरोना संकट की वजह से टाल दिया गया। ये टूर्नामेंट अगले महीने 11 मई से दिल्ली में होना था। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी होने के आरोपों पर कुछ बातें सामने आई। कहा जा रहा है कि इन इंजेक्शन में 6 दिल्ली में 1 मरीज को लगाए गए हैं। यही नहीं, इंजेक्शन के मामले में अस्पताल का रिकॉर्ड भी सही नहीं मिला है। यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का लॉकडाउन वाला आदेश मानने से ही इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने इस पर अपना रुख साफ किया और शहरों में फिलहाल लॉकडाउन लगाने से साफ इनकार कर दिया। सरकार की तरफ से कहा गया कि राज्य में कोरोना के मरीज बढ़े हैं और हालात संभालने के लिए सख्ती जरूरी है, जिसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं और कई बड़े कदम उठाए भी जा रहे हैं। सरकार ने दो टूक कहा कि लोगों का जीवन बचाने के साथ सरकार के लिए उनकी आजीविका को बचाना भी जरूरी है, इसलिए अभी किसी भी शहर को पूरी तरह लॉकडाउन में नहीं धकेला जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर शहरों के लिए अहम आदेश सुनाया था। कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक चुके पाकिस्तान में अब गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। लाहौर में तो कट्टरपंथी पार्टी तहरीके लब्बैक के समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर खूनी झड़प हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 के करीब लोग घायल भी हुए हैं। इससे पहले हिंसक प्रदर्शनों के बाद तहरीके लब्बैक पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन उससे भी हालात नहीं बदले। लाहौर में तहरीके लब्बैक के समर्थकों और पुलिस के बीच एक बार फिर खूनी झड़प हुई। उपद्रवियों की भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने उन पर जमकर आंसू गैस के गोले दागे। दावा किया गया कि इस दौरान गोलियां भी चलाई गईं। ऐसा लगा जैसे ये लाहौर की सड़क नहीं जंग का मैदान हो। हर तरफ हंगामा ही हंगामा नजर आया। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से तो कट्टरपंथी और भड़क उठे। उन्होंने इलाके के पुलिस थाने पर हमला बोल कई पुलिस अधिकारियों को ही बंधक बना लिया। इनमें एक सीनियर पुलिस अफसर भी शामिल था, जिनके साथ मारपीट भी की गई। बाद में किसी तरह इन्हें उपद्रवियों के कब्जे से छुड़ाया जा सका। लेकिन इतने भर से उपद्रवियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लाहौर समेत पाकिस्तान के कई इलाकों में कट्टरपंथी पार्टी तहरीके लब्बैक के समर्थन में रैली निकाली गई। वहां कट्टरपंथियों की इस भीड़ के आगे इमरान सरकार पूरी तरह बेबस नजर आई। हजारों की भीड़ लाहौर की सड़कों पर उतर पड़ी। भीड़ ने जमकर नारेबाजी की और ईश निंदा करने वालों को सजाए मौत देने की मांग की। सिर्फ लाहौर ही नहीं, पीओके के कई शहरों में भी यही हालात नजर आए। मुजफ्फराबाद में तो बड़ी तादाद में महिलाएं भी सड़कों पर उतरी और तहरीके लब्बैक पर कार्रवाई का विरोध किया। कट्टरपंथी तहरीके लब्बैक के समर्थन में पढ़ा लिखा तबका भी उतर आया। वहाँ बार एसोसिएशन ने इमरान सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। फ्रांस का सफीर है, उसको फिलफोर पाकिस्तान से बाहर निकाला जाए। यही नहीं, सेना में भी बकावत की सुगबुकाहट शुरू हो गई। सेना का एक जवान तो खुलकर सरकार और सेना के खिलाफ उतर आया। उसने बलवाइयों पर कार्रवाई किए जाने पर सेना में विद्रोह की धमकी दे डाली। जितनी भी फोर्सें हैं, पाक रेंजर है, पाक आर्मी है, ये मैदान अमल में आएंगे और मैं अपील करता हूँ मैदान अमल में आएं। यानी रमजान के पाक महीने में भी पाकिस्तान बुरी तरह जल रहा है, लेकिन इस चुनौती से कैसे निपटा जाए ये किसी को नहीं पता। हालांकि फ्रांस के राजदूत को वापस भेजने की मांग करने वाली तहरीके लब्बैक पार्टी पर पाबंदी तो लगा दी गई, लेकिन इससे हालात और बिगड़ गए। कट्टरपंथियों की जिद के आगे लाचार नजर आ रहे प्रधानमंत्री इमरान खान भी अब सामने आए और जंग पर उतारू पाकिस्तान की जनता को समझाने की कोशिश की। इमरान खान ने दो टूक लहजे में चेताया कि फ्रांस का विरोध करने से फ्रांस को नहीं पाकिस्तान को ही नुकसान होगा। हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। महाराष्ट्र के लोनावला में एक कोरोना मरीज की मौत पर उसके घर वालों ने अस्पताल में खूब हंगामा किया। घर वालों का आरोप है कि मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई, जिससे मरीज के घर वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन लोगों ने अस्पताल में मौजूद डॉक्टर को बाहर खींचकर उस पर लात घूसों और मुक्कों की बरसात कर दी।
हालांकि अस्पताल के कुछ लोग डॉक्टर को भीड़ के चंगुल से बचाने की कोशिश करते नजर आए, मगर उनकी ये कोशिश नाकाफी साबित हुई। हालांकि जैसे तैसे पिट रहा डॉक्टर किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब रहा और उसने अस्पताल में घुसकर दरवाजे को बंद कर दिया, जिस पर भीड़ में शामिल एक दो लोग दरवाजे को जबरदस्ती खोलकर अंदर घुसने की कोशिश करते दिखे, मगर वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनको रोक दिया। फिर तो लोगों ने अस्पताल की खिड़की पर अपना गुस्सा निकाल दिया। इस मारपीट में शामिल कुछ लोग गाली गलौज करते भी सुनाई दिए, जबकि एक आदमी इस मारपीट का मोबाइल से वीडियो बनाता नजर आया। मारपीट की सूचना मिलने पर जब पुलिस अस्पताल पहुंची तो मरीज के परिवार वाले पुलिस से ही उलझ गए। पुलिस वालों ने मामले की जांच का भरोसा दिया, तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। दिल्ली के दरियागंज से चौंका कर रख देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला मास्क नहीं पहनने पर रोके जाने पर कुछ पुलिस वालों से भिड़ गई। ये वीडियो एक दिन पहले का बताया गया, जिसके आधार पर उस महिला और उसके पति के खिलाफ कार्रवाई की गई। आरोप है कि ये महिला अपने पति के साथ बिना मास्क लगाए वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बिना पास के सड़कों पर घूम रही थी, जिसे रोकने पर उसने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। उसकी गाड़ी क्या रोकी वो तो पुलिस वालों से अपशब्द बोलने लगी। इस महिला को जब आगे नहीं जाने दिया गया तो वो और ज्यादा बौखला गई। मास्क नहीं पहनने पर अजीबोगरीब दलील देने लगी। काफी देर तक बहसबाजी करने के बाद ये महिला पुलिस वालों को धमकाती भी नजर आई। आखिरकार इन पुलिस वालों को एक महिला कांस्टेबल को वहां बुलाना मजबूरी पड़ गया। बाद में पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और इस दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। हर गुजरते दिन के साथ दिल्ली के हालात भी कोरोना से बिगड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 240 लोगों की जान चली गई, जो महामारी शुरू होने के बाद से एक दिन में मरने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यही नहीं, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 23,500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 26% के पार पहुंच चुका है। हालात बिगड़ता देख अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 6 दिनों के लिए यानी 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया। यही नहीं, बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए वक्त से पहले ही गर्मी की छुट्टी शुरू कर दी गई, जो 20 अप्रैल से शुरू होकर 9 जून तक चलेगी। यही नहीं, सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम बनाने का फैसला भी किया है। कोरोना वैक्सीन को और ज्यादा असरदार बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नए सिरे से तैयारियां तेज कर दी। news18.com की रिपोर्ट है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को इस काम के लिए 64 ऐसे लोगों की तलाश है जो पहले से कोरोना को मात दे चुके हैं। इनके शरीर में कोरोना वायरस की वुहान स्ट्रेन डाली जाएगी, क्योंकि कोरोना के शुरुआती केस चीन के वुहान से ही सामने आए थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक जिन 64 लोगों में ये स्ट्रेन दोबारा डाली जाएगी, उन्हें 17 दिनों तक क्वारंटीन में रखा जाएगा और फिर वैज्ञानिक इन लोगों में हो रहे असर के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिससे कोरोना वैक्सीन को और असरदार बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ये भी पता चल पाएगा कि कितने दिनों में दोबारा किसी आदमी में कोरोना वायरस का असर हो रहा है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में वैक्सीन की दो डोज के बाद भी लोग दोबारा कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये कवायद शुरू की है। अमेरिका की केंटकी राज्य से पुलिस की बर्बरता की एक और तस्वीर सामने आई, जहां कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने एक प्रदर्शनकारी की पहले तो पिटाई की, फिर उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। यह आदमी अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक ब्रियोना टेलर की मौत के विरोध में हुए प्रदर्शन में शामिल हुआ था, जिसकी पिछले साल मार्च में पुलिस की गोली लगने से जान चली गई। और इसके खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में भी पुलिस की बर्बरता दिखाई थी। उसने प्रदर्शन में शामिल एक अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट करने लगे। पहले तो पुलिस वाले उसे पकड़कर उसके हाथों में हथकड़ी पहनते नजर आए, फिर अचानक उन्होंने उसे नीचे पटक दिया। इसके बाद एक पुलिस वाला उसके मुंह पर घूंसे बरसाने लगा। वहाँ मौजूद दूसरे लोगों ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों पर इसका कोई असर होता नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद पुलिस उस आदमी को गिरफ्तार कर वहाँ से अपने साथ ले गई।
कोरोना से सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र के हैं। वहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 59,000 नए मरीज मिले हैं और 351 लोगों की मौत हुई है। अकेले मुंबई से 7,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और वहां 57 लोगों की जान चली गई है। राज्य में कोरोना के 6,76,000 से ज्यादा एक्टिव केस है और इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा करीब 61,000 के पास पहुंच चुका है। यह हालात तब है जब पूरे राज्य में लॉकडाउन की तरह सख्त कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन इसके बाद भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। दक्षिण चीन सागर में जारी तनातनी के बीच चीन ने बम बरसाने वाले विमान उड़ाकर अमेरिका को खुली चेतावनी दे डाली। दक्षिण चीन सागर में कब्जे के मुद्दे पर चीन का अमेरिका और दूसरे पड़ोसी देशों से विवाद है और इसी कड़ी में चीन ने अमेरिका को खुली चुनौती देते हुए एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान चीन के बम बरसाने वाले विमानों ने उड़ान भरी और बमबारी कर दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने की अपनी ताकत दिखाई। अभ्यास के दौरान ये विमान रात के अंधेरे में भी टारगेट पर बमबारी करते दिखाई दिए। H-6 नाम के ये विमान लंबी दूरी तक मार करने वाले बेहद खतरनाक विमान है और ये परमाणु हमला करने के साथ हवा से ही मिसाइलें भी दाग सकते हैं। चीन के ताबड़तोड़ सैन्य अभ्यास का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया और इस वीडियो में चीन का एक लड़ाकू विमान समंदर में तैर रहे जंगी जहाज पर लैंड करता दिखाई दिया। इस दौरान चीन के दूसरे जंगी जहाज भी उसके आसपास मौजूद नजर आए। बताया गया कि ये वीडियो अमेरिका के जंगी जहाज से बनाया गया जो कि इस इलाके में चीन की हरकतों की निगरानी के लिए तैनात था। मध्य प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में वहां कोरोना के करीब 13,000 नए केस सामने आए हैं और इस महामारी की चपेट में आने से 79 लोगों की मौत हुई। 6800 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक होकर घर भी लौटे हैं। राजधानी भोपाल में सबसे ज्यादा 1703 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि वहां 5 मरीजों की मौत हो गई। इसी तरह इंदौर में करीब 1700 नए केस सामने आए और 7 की मौत हुई। राज्य में अब कोरोना के 74,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और मरने वालों का आंकड़ा 4600 के पार पहुंच चुका है। कोरोना से बिगड़ते हालात पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए हर जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए। राजस्थान में 3 मई तक लॉकडाउन लागू होने के बाद राजधानी जयपुर को सैनिटाइज करने का काम शुरू हो गया। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए जयपुर नगर निगम ने वहां पुलिस स्टेशन, अस्पताल और सड़कों समेत तमाम जगहों को सैनिटाइज करना शुरू कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें एक वैक्सीनेशन सेंटर से भी सामने आई, जहां आइसोलेशन वार्ड समेत पूरे परिसर में केमिकल का छिड़काव किया गया। वैक्सीनेशन सेंटर को भी सैनिटाइज किया जा रहा, ये देखिए तस्वीरें, पूरे इस कैंपस को सैनिटाइज किया जा रहा है। जयपुर नगर निगम के एक कर्मचारी ने बताया कि लोगों के मन से डर को निकालने के लिए इसकी शुरुआत की गई। भीड़भाड़ के क्षेत्र में लोगों को राहत मिले, थोड़ा सा उनको संपूर्ण मिले। इमारत की खिड़की, दरवाजों और सड़क को भी सैनिटाइज किया गया ताकि तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस पर लगाम कसी जा सके। महाराष्ट्र के सोलापुर से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां एयरपोर्ट के पास मौजूद झाड़ियों में भयंकर आग लग गई। आग वहां कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन सूखी घास और झाड़ियों की वजह से ये काफी तेजी से फैलती चली गई और चंद मिनटों में ही इसने एयरपोर्ट के पास के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। चारों तरफ झाड़ियों में लगी आग से उठ रही लपटें दिखाई थी। खतरे को देखते हुए वहां तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई। एहतियात के तौर पर एक एम्बुलेंस को भी वहां बुला लिया गया। इन धधकते शोरों को देख एयरपोर्ट अथॉरिटी के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि एयरपोर्ट के पास की झाड़ियों को जलाती हुई ये खतरनाक लपटें तेजी से रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ने लगी। हालांकि वक्त रहते आग बुझा ली गई। मुंबई समेत महाराष्ट्र के 46 जेलों में कोरोना पॉजिटिव कैदियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। महाराष्ट्र की जेलों में इस वक्त 197 कैदी कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि 94 से ज्यादा जेल कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में है। महाराष्ट्र के जेलों में कोरोना संक्रमण से अब तक 7 कैदियों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 जेल कर्मचारियों की भी कोरोना से मौत हुई है। पुणे की यरवडा जेल में अभी सबसे ज्यादा 36 कैदी और 14 जेल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव है, जबकि मुंबई के नजदीक कल्याण में 31 और थाने में 21 कोरोना पॉजिटिव कैदी है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 28, जबकि नासिक जेल में 15 कैदी और 11 जेल स्टाफ कोरोना की चपेट में है। दुनिया भर में कोरोना महामारी से मचे हाहाकार के बीच इसराइल सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। News18.com की रिपोर्ट है कि इसराइल ने देश की 80%
जनता को कोरोना वैक्सीन लगाने में सफलता का दावा किया और इसी वजह से वहां पर घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनने की जरूरत को भी खत्म कर दिया। हालांकि ऑफिस में उसके अंदर अगर आप बैठते हैं तो मास्क पहनना अब भी जारी रहेगा। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन लगाए जाने की वजह से कोरोना मरीजों की संख्या बहुत कम हो गई है और अब वहां हर दिन कोरोना के 200 मरीज ही सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए वहां की सरकार ने यह फैसला किया है। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 6842 नए कोरोना मामले सामने आए, जबकि 33 लोगों की मौत की खबर है। वहीं राज्य में एक दिन में 3663 लोग रिकवर भी हुए हैं। हरियाणा में ज्यादातर मरीज दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटों में 1809 कोरोना मरीज सामने आए, जबकि कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई। वहीं बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसके बाद राज्य के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में अभी लॉकडाउन लगाने का कोई विचार नहीं। देखिए, अब जो हमारे टोटल पेशेंट्स आ रहे हैं, एक्टिव पेशेंट्स हैं, उनमें 50% तीन जिलों के हैं, गुड़गांव के हैं, फरीदाबाद के हैं, सोनीपत के हैं, जो दिल्ली से सटे हुए हैं। पर अब मरीज मरीज है, अब दिल्ली में नहीं उनको व्यवस्था हो पा रही होगी और वो हमारे पास अगर आ गए हैं तो हम तो धक्का नहीं मार सकते ना जी, हम तो अपने पूरी क्षमता अनुसार उनको इलाज देने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के वांगड़ी रेलवे स्टेशन से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक बच्चा अपनी माँ के साथ चलते चलते अचानक पटरी पर जा गिरा। उसकी माँ देख नहीं सकती है, ऐसे में उसे अपने बच्चे के गिरने का एहसास तो था लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर भी उसने हाथ पांव मारा, हालांकि रेल कर्मचारी की चुस्ती से वो बाल बाल बच गया, क्योंकि जिस वक्त बच्चा पटरी पर गिरा सामने से पूरी रफ्तार के साथ ट्रेन आ रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी चपेट में आता, मयूर शेलखे नाम के कर्मचारी ने न केवल फुर्ती के साथ उसे प्लेटफॉर्म पर पहुंचा दिया बल्कि खुद भी ऊपर आ गया। दो दिन पुराने इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक महिला अपने बच्चे का हाथ पकड़कर प्लेटफॉर्म पर जाती दिखी। इसी दौरान उसका बैलेंस अचानक बिगड़ने से हाथ छूट गया और वो धड़ाम से पटरी पर जा गिरा। हालांकि उस बच्चे ने उठकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था, जबकि सामने से ट्रेन आ रही थी। लेकिन इसी दौरान मयूर शेलखे दौड़ता हुआ आया और बच्चे को उसने जान पर खेलते हुए सुरक्षित बचा लिया। रेलवे ने अपने इस कर्मचारी के हौसले का सम्मान किया। मेरे को भी थोड़ी घबराहट महसूस हुई लेकिन जब बच्चे की जान बच गई तो मैं भी एकदम आनंद महसूस किया। फिर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट कर रेल कर्मचारी मयूर शेलखे की हिम्मत की तारीफ की। राजस्थान में भी कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। एक दिन में कोरोना के 11,967 नए मामले सामने आए हैं और 53 लोगों की जान गई है। जिन शहरों में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा आए हैं वो जयपुर और जोधपुर शामिल है। जयपुर में एक दिन में 2011 कोरोना के मामले सामने आए हैं तो जोधपुर में 1641 मरीज सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 76,641। कोरोना महामारी की नई लहर से देश में बने मौजूदा हालात पर नीति आयोग के डॉक्टर वीके पॉल ने माना कि कोरोना वायरस हवा में ज्यादा तेजी से फैल रहा है। यह डेटा आ रहा है, आप भी उससे परिचित हैं कि एयरबोर्न का रोल ज्यादा है, सर्फेसिस का कम है। ये डायनेमिक सिचुएशन है सीखने की और ये आगे बढ़ रही है। गुजरात में भी कोरोना ने कोहराम मचाया हुआ है। राज्य में एक दिन 11,403 कोरोना मरीज बने हैं, जबकि 117 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। एक दिन में 4,179 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत के हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 4,258 कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 23 लोगों की मौत हुई है। अहमदाबाद में नगर निगम के आदेश के बावजूद निजी दफ्तरों में 50% से ज्यादा स्टाफ बुलाने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 5 दफ्तरों को सील किया गया है। वहीं गुजरात सरकार ने आरटीपीसीआर टेस्ट की कीमतों में कटौती की है, अब 700 रुपए में आरटीपीसीआर टेस्ट होंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बल के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकियों को भारतीय जवानों ने मार गिराया और इसके लिए जवानों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आतंकियों की हर हरकत पर उन्होंने निगरानी रखी, हथियारों से लैस जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हो गए। बताया गया कि भारतीय फौज के जवान इलाके में तलाशी अभियान चला रहे थे, तभी आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में मुठभेड़ शुरू हो गई।
दिल्ली से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां एम्स अस्पताल के पास एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। आशंका जताई गई कि ट्रक में यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने पलक झपकते ही ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। बीच सड़क पर जलते ट्रक से भयंकर लपटें उठने लगी। ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह से आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया। इस बीच उसमें धमाके भी होते सुनाई दिए, जिसने वहां से गुजरने वाले लोगों को खौफ से भर दिया। हादसे की सूचना पर वहां पहुंचे दमकल कर्मी आग बुझाने के काम में जुट गए। फौरन पाइप की मदद से जलते ट्रक पर पानी की बौछार शुरू की गई और थोड़ी देर बाद आग बुझा ली गई। इस हादसे में ट्रक को नुकसान तो हुआ ही, साथ ही उसमें रखा काफी सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद कल रात से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। 15 मई तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। वहीं पिछले 24 घंटे में बिहार में 7487 कोरोना मरीज सामने आए, जबकि 41 लोगों की मौत हुई। अकेले पटना में ही 2672 कोरोना मरीज मिले, जबकि वहाँ पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के लगातार मामले बढ़ने के बाद पटना प्रशासन ने दुकानों को अल्टरनेट खोलने का फैसला किया है। कर्नाटक के यदगिर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक धार्मिक कार्यक्रम चैरियट फेस्टिवल के दौरान निकाली गई यात्रा में रथ टूटकर श्रद्धालुओं पर गिर गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें धूमधाम के साथ निकाली गई यात्रा में भीड़ साथ चलती नजर आई, जिनमें बड़ों के साथ बच्चे भी शामिल दिखे। बैंड बाजे की धुन पर धूमधाम से सब उत्साह के साथ चल रहे थे। लेकिन कुछ दूर जाते ही रथ हिचकोले खाने लगा और चंद मिनटों में उसका ऊपरी हिस्सा अचानक टूटकर साथ चल रहे लोगों पर जा गिरा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें आसपास मौजूद लोगों ने